हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएलसी लॉजिक। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं वन पुश बटन स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। दोस्तों, ये पीएलसी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिस्क्रीट लॉजिक्स में, जहाँ पर हम एक ही पुश बटन की मदद से ऑन और ऑफ दोनों का कमांड क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें होता क्या है। यहाँ पे मेरा एक पुश बटन होता है, लेट अस सपोज ये मेरा पुश बटन है पीबी, और मेरी आउटपुट में या तो कोई कॉइल लगी होती है या कोई रिले लगी होती है। लेट सपोज दिस इज अवर कॉइल ऑफ अ कॉन्टेक्टर और अ रिले विच इज कनेक्टेड इन आउटपुट। ये पुश बटन मेरा जब ऑन होगा पहली स्टेट के अंदर, तो ये मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। जब भी मेरा सेकेंड टाइम मैं इसको प्रेस करूंगा, तो यही कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा। ऐसे लॉजिक को क्रिएट करने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास एक लॉजिक होता है जिसे ड्यूएल लॉजिक कहते हैं, जिसपे पहले मैं एनसी एलिमेंट लगाता हूँ, फिर एनओ एलिमेंट लगाता हूँ और उसको जाकर के कॉइल के A1 A2 पे कनेक्ट कर देता हूँ। इस लॉजिक को दोस्तों ऑलरेडी मैं अपनी पहली वीडियो ड्यूएल स्टार्टर लॉजिक में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार उसे जाके देखें। अब दोस्तों, पहले मूव करते हैं इस लॉजिक की सर्किट को बनाने से। मैं इस लॉजिक की सर्किट बनाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मेरी यहाँ पे सर्किट पूरी बन चुकी है। अब हम कोशिश करेंगे इस लॉजिक सर्किट को एक्सप्लेन करने की कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने एम और ए दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स लिए हैं और ये मेरी दोनों ऑक्सिलरी सर्किट है। ये मेरी मेन सर्किट है। क्यू जो है यहाँ पे वो ऑपरेट होगा एज अ आउटपुट कॉइल और ये स्टार्ट का बटन है मेरा। इस स्टार्ट के बटन को जब भी मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरा ए ऑफ स्टेट के अंदर है, क्यू ऑफ स्टेट के अंदर है, दोनों का एन सी से मेरा कमांड चला जाएगा एम पर। और जैसे ही मेरा एम ऑपरेट होगा, ये स्टार्ट बटन मैंने दबाया, इसके साथ ए देखेगा, वो ए ऑफ स्टेट में है, तो ए का एन सी ऑलरेडी एन सी है, क्यू का एन सी ऑलरेडी एन सी है, वो मेरे एम के कॉन्टेक्टर को होल्ड करा देगा। जैसे ही मेरा एम का कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, क्यू मेरा हट जाएगा और मेरा क्यू हट जाएगा, बट स्टिल जब तक मेरा स्टार्ट का पुश बटन दबा रहेगा तब तक मेरा एम ऑपरेटेड रहेगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग लगी हुई है, होल्डिंग लगी हुई है। एम ऑपरेट हुआ, एम ऑपरेट होता ही ये वाला एनओ एनसी बन जाएगा और मेरा क्यू होल्ड हो जाएगा। क्यू होल्ड हो जाएगा क्योंकि क्यू की होल्डिंग मैंने ऊपर भी दे रखी है और ए मेरा ऑलरेडी एनसी है। ए मेरा एनसी पड़ा रहेगा क्योंकि जैसे ही मेरा एम ऑपरेट होगा, वैसे ही मेरा जो एम दूसरी सर्किट के अंदर इधर सर्किट में लगा हुआ है, ये मेरा ओपन हो जाएगा, एनओ हो जाएगा, और ये स्टार्ट का बटन दबा होने के बावजूद भी, क्यू ऑपरेटेड होने के बावजूद भी मेरा ए टू नहीं लगेगा। तो मेरा ए एनसी पड़ा हुआ है, एम मेरा ऑपरेट हुआ, क्यू मेरा होल्ड हो गया। अब मैं दूसरे केस में आता हूँ। एज सून एज जैसे ही मैं स्टार्ट के पुश बटन को रिलीज करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, एम हट जाएगा, एम हट जाएगा तो ये दोबारा एनसी स्टेट में आ जाएगा, और जैसे ही ये एनसी स्टेट के अंदर आएगा और क्यू मेरा ऑपरेटेड है, तो क्यू का भी मेरा एनओ एनसी बन चुका है। अब मेरा एम एनसी बन चुका है, क्यू एनसी बन चुका है, और ए की कॉइल रेडी है नेक्स्ट स्टार्ट बटन को दबाते ही ऑपरेट होने के लिए। जैसे ही मैं दोबारा स्टार्ट का बटन दबाता हूं, मेरी ए की कॉइल ऑपरेट होगी, एम मेरा एनसी पड़ा हुआ है, क्यू मेरा एनसी पड़ा हुआ है, ए की कॉइल ऑपरेट हो जाएगी, और ए की कॉइल ऑपरेट होगी तो ए की होल्डिंग लग जाएगी और ए मेरा ऑपरेट हो जाएगा और क्यू मेरा बंद हो जाएगा, और ये दोबारा क्यू ऐसा एनओ बन जाएगा। अब जैसे कि मेरा क्यू कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, अब मैं दोबारा से स्टार्ट बटन दबाऊंगा तो दोबारा से मेरा क्यू ऑन हो जाएगा क्योंकि एम लग जाएगा और क्यू मेरा होल्ड हो जाएगा, और मैं ऑफ दबाऊंगा तो मेरा ए टू लग जाएगा और ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा वन पुश बटन स्टार्ट स्टॉप लॉजिक काम करता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट मैं क्या करता हूँ, मैं अपना इसका लैडर लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ।
नाउ फ्रेंड्स आई एम रेडी विद माय लैडर लॉजिक और इसके साथ मैंने इस स्काडा पे एक स्टार्ट बटन और उसकी आउटपुट कॉइल का आउटपुट मैंने यहाँ बना दिया है। ये स्टार्ट बटन जो है ये मेरा इस वाली को करस्पॉन्ड करता है और ये मेरी जो लैंप है ये मेरी आउटपुट कॉइल को करस्पॉन्ड करती है। तो दोस्तों अब आप इस सर्किट को ध्यान से देखना, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को दबाता हूँ और दबा के रखता हूँ तो लॉजिक में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि लॉजिक के अंदर एम कॉइल अभी दबी हुई है क्योंकि मैंने स्टार्ट का बटन दबा रखा है और आउटपुट मेरा होल्ड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट के बटन को रिलीज करूंगा, तब आप देखना क्या होगा। दोस्तों जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन रिलीज़ किया तो देख सकते हो आप कि मेरी M1 की जो कॉइल है वो अनहोल्ड हो चुकी है। M1 की कॉइल अनहोल्ड हो चुकी है और इसके करस्पॉन्डिंग जो M1 का NC था वो ऑलरेडी NC स्टेट के अंदर आ चुका है और जो इधर NU स्टेट था वो NU स्टेट के अंदर आ चुका है। बट मेरी आउटपुट कॉइल होल्ड है और अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टार्ट बटन को दोबारा दबाऊंगा। मैंने स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट बटन दबाते ही क्या हुआ, मेरा आउटपुट अनहोल्ड हो गया। अब मैं इस स्टार्ट बटन को दोबारा दबाऊंगा तो होल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ऑल्टरनेटिवली एक ही बटन को प्रेस करके मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ अपनी आउटपुट कॉइल को। तो दोस्तों ये होता है हमारा वन पुश बटन स्टार्ट स्टॉप लॉजिक।